वेलकम टू आवर चैनल। तो जितने भी स्टूडेंट्स रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, जब से ये डिपार्टमेंटल वैकेंसीज आना शुरू हुई हैं, तब से स्टूडेंट्स के मन में एक ही डाउट चल रहा है कि भैया इतनी संख्या में डिपार्टमेंटल वैकेंसीज दी जा रही हैं, उतनी संख्या में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर वैकेंसीज नहीं दी गई, और क्यों इस तरीके की चीजें देखने मिल रही हैं कि एक एक रेलवे से, ईस्टर्न रेलवे से 1257, अभी ईसीआर से शायद 827 पोस्ट थी। इसी तरीके से आप यहां देखो, यहां पे एक मंडल जबलपुर मंडल से 223 पोस्ट हैं। इसी तरीके से एस साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंदर असिस्टेंट लोकोपाल, इसकी 278 पोस्ट हैं। इस तरीके से अभी ट्रेन मैनेजर की पोस्ट थी, 300 कुछ पोस्ट एक जगह पर ट्रेन मैनेजर की हैं। इस तरीके से बहुत सारी पोस्ट आ रही हैं। इससे पहले जब वैकेंसीज आई जीडीसी की, तो उसमें भी करीब 10,000 प्लस वैकेंसीज एएलपी की थी। तो बच्चों को लग रहा था जब जीडीसी से 10,000 पोस्ट आ रही हैं, तो हमारी भी बहुत अच्छी खासी पोस्ट आएंगी, जो नहीं आई। तब से बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में होने लगा कि भैया ये तो बता दो कि ये कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, किसके तहत ऐसा हो रहा है, और ऐसा क्यों किया जा रहा है, और क्या ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को कोई फायदा होगा, या हम एएलपी की तैयारी कर रहे हैं हम लोगों को कुछ फायदा होगा। तो गाइज, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे के अंदर बहुत टाइम से सीनियर सेक्शन इंजीनियर की भी भर्ती नहीं हुई है। जूनियर इंजीनियर जेई को भर्ती किया गया और उसके बाद उन लोगों को प्रमोट करके सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनाया गया। ऐसे ही रेलवे के अंदर बहुत सारी वैकेंसीज पे चल रहा है कि या तो प्रमोशन हो जाता है या डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू उन लोगों को ऊपर पहुंचा दिया जाता है। इससे रेलवे की मंशा क्या है वो तो रेलवे ही जाने, लेकिन कुछ चीजें पता चलती हैं जो आप लोगों को भी पता होनी चाहिए। एक तो उनके पास स्किल्ड वर्कर पहुंच जाता है, जिसे पहले से रेलवे के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज हो। दूसरा, ये प्रोसेस बहुत आसान है, मतलब बहुत जल्दी से स्टूडेंट्स को नीचे से उठा के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। एक एग्जाम के दम पे ही ये लोग क्या करेंगे, आपको एएलपी बना देंगे, बस साइको लेना है उसके बाद। मतलब यहाँ पे बहुत आसान है चीज़ों को छांटना, जबकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से इनके लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आप ये चीज़ समझिए, यहाँ पे अब आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा उस चीज़ को समझिए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय पे बहुत ही सारे जो अपने एएलपी वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मेरी सलाह है, जो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्ट चल रहे हैं, देखिए आप टेस्ट सीरीज लो मत लो, वो आपका मन है, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर आपके पास होनी चाहिए। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं अगर आप चाहें तो टेस्ट बुक की, क्योंकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा नाम है टेस्ट बुक की, टेस्ट सीरीज का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप टेस्ट बुक ही लो, आप जिस टीचर से पढ़ते हैं आप उसकी टेस्ट सीरीज तो लगाइए ही लगाइए, लेकिन साथ में एक टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए जो उस लेवल की हो, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें प्रोवाइड करा सके। जैसे हमारे बच्चे भी हैं, हम अपने स्टूडेंट से भी एक तो टेस्ट बुक पर टेस्ट दिलवाते हैं और एक अपनी एप्लीकेशन पर टेस्ट दिलवाते हैं, जिससे कि बच्चे को ये ना लगे कि भैया ने अपने पास ही बांध के रख लिया। अब मान लेते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो जाए कि टेस्ट बुक से चीज़ें नहीं फंस रही हैं, या मान लेते हैं हमारी एप्लीकेशन से नहीं फंस रही हैं। जब बच्चे ने दो चीज़ों का एक्सपीरियंस ले रखा है, हम लोग भी उसी क्षेत्र में, वो भी उसी क्षेत्र में, तो जब दो जगह से बच्चा पढ़ के जाता है तो उसके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस समय पे टेस्ट बुक पास प्रो, इसके अंदर आप लोगों को प्रीवियस ईयर में भी मिलते हैं, GSP 10 यूज करके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपका मन नहीं है परचेज करने का, तब भी मैं कह रहा हूं कि आप कुछ ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट जो इनका वीकली टेस्ट चलता है उसको जरूर से जरूर अटेम्प्ट करें। आपको अपने स्कोर में बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, कॉम्पिटिटर्स के साथ लड़ने का मौका मिलेगा, आपको पता चलेगा किस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो गाइज, चलिए इस चीज को हम करते हैं क्लोज, और ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। अब हम बात करते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि क्या चल रहा था हमारा, बहुत ही ज्यादा संख्या में जो वैकेंसीज हैं वो आप लोगों को देखने मिल रही हैं, किस चीज की, गुड्स गार्ड की, असिस्टेंट लोको पायलट की। तो इससे जो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, वो मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि नीचे से वैकेंसीज फिलअप कर लेंगे और फिर नीचे जो है ठेकेदारी पे या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भर्ती की जाएगी। देखो, ऐसा कुछ नहीं है। जो पोस्ट हैं, जो रेलवे को आपसे ही कराना है, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ही कराना है, जिन पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छी खासी, वो पोस्ट गवर्नमेंट की ही रहने वाली हैं और गवर्नमेंट उनको भरेगी आगे, ऐसा नहीं है कि नहीं भरेगी। तो ये जो पोस्ट हैं, आप जैसे मान लेते हैं 10,000 पहले पोस्ट एएलपी की देखने को मिली थी आप लोगों को, 10,000 के करीब, अब 1257 इस डिवीजन से, कि कहीं से 827, कहीं
15,000 से 20,000 वैकेंसीज तो सिर्फ और सिर्फ ये जीडीसी के थ्रू, एलडीसी के थ्रू आप लोगों की पहुंच जाएंगे। ग्रुप डी वाले 90% स्टूडेंट्स जीडीसी एग्जाम और एलडीसी एग्जाम का फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एएलपी की वैकेंसी आई, एएलपी की वैकेंसी में 1900 ग्रेड पे से ऊपर वाला कोई भी बंदा नहीं भर सकता और भरना भी नहीं चाहता। क्यों 2,400 ग्रेड पे वाला 1900 में आएगा? लेकिन जो 1800 ग्रेड पे का बच्चा है वो ग्रुप डी वाला ही बच्चा है जो इस चीज का बेनिफिट उठाता है। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपसे ऊपर पोस्टों पे चले जाएंगे। तो वो जो पोस्ट वैकेंट होंगी, बहुत सारे लड़के छोड़ भी रहे हैं जॉब्स, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लड़के जो ग्रुप डी में, ऐसे पोस्ट कोई भरी नहीं जा रही है। ग्रुप डी के अंदर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होगी, लेकिन जो उससे ऊपर की पोस्ट है, एएलपी है, गार्ड है, टीसी है, सीसी है, ये सारी की सारी पोस्ट डिपार्टमेंटल कोटा से भरी जा रही है। तो मेनली जो पोस्ट खाली हो रही हैं वो ग्रुप डी की ही पोस्ट खाली हो रही हैं। तो इस चीज़ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे लोग रिटायर भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रमोट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने जॉब छोड़ दी, किसी की कहीं पे लग गई, किसी का कहीं पे सिलेक्शन हो गया, कोई जीडी में चला गया, कोई कुछ कर लिया। इस तरीके से आप लोगों के पास जो पोस्ट बच रही हैं वो मैक्सिमम पोस्ट जो है वो ग्रुप डी की ही बचेंगी। अब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितनी वैकेंसीज आप लोगों के सामने फेंकती है, क्योंकि रिटायरमेंट भी बहुत संख्या में हो रहे हैं, वैकेंट पहले से भी बहुत सारी पोस्ट हैं और इन प्रमोशन के थ्रू भी वैकेंट होंगी। तो जैसे अभी एएलपी के अंदर किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते जल्दी से जल्दी पोस्ट भरी जा रही है डिपार्टमेंटल कोटा के तहत, ठीक इसी तरीके से ग्रुप डी के अंदर जब किल्लत दिखेगी, और दिख रही है वो, जब ये सारे के सारे ऊपर चले जाएंगे तो नीचे के एम्प्लॉय का क्या होगा, वहां पे भी तो जरूरत है ना। तो उन सब लोगों की जब डिमांड बढ़ेगी तो आप लोगों की वैकेंसीज जो आएंगी, हो सकता है ज्यादा संख्या में आए और हो सकता है आने के बाद भी बढ़ जाएं। तो इस तरीके की चीजें आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेट लास्ट में जो फायदा होने वाला है वो ग्रुप डी के स्टूडेंट्स को होने वाला है। अब आप इसे गलत माने, सही माने, जो आपका मन करता है वो माने, मेरे हिसाब से तो आपके लिए एक तरीके से मोटिवेशन ही है, क्योंकि आप कुछ कर तो सकते नहीं है, डिपार्टमेंटल वैकेंसीज है। तो आप जो आपके सामने वैकेंसी आने वाली है उसकी इस तरीके से तैयारी करें। अब आपके पास दो मोटिवेशन है, एक तो अगर आप रेलवे में घुस गए, मान लेते हैं किसी वजह से आपका एएलपी नहीं हुआ, तो आप किसी भी हाल में ग्रुप डी के अंदर ही घुस जाइए। आप घुस गए तो आपके पास आगे बढ़ने के मौके हैं, जैसे ये। दूसरा, अगर आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली तो आप लोगों के चांस 100% हो जाएंगे, क्योंकि अगर वैकेंसी कम आती है या ज्यादा आती है, कितनी भी आती है, तब भी सिलेक्शंस उन्हीं बच्चों के होंगे जिन लोगों ने बेहतरीन तरीके से तैयारी करी है। तो आई होप कि आप लोगों को यह बात समझ आ गई होगी। तो इस चीज को आप समझिए, ये जो इतनी संख्या में वैकेंसीज आ रही हैं, इन वैकेंसीज को जो फिल करेंगे वो 80% ग्रुप डी के स्टूडेंट नीचे से ऊपर जाएंगे, यहां पे खाली हो जाएंगी पोस्ट। और ये पोस्ट लगातार खाली हो रही है, एक तो पहले से रेलवे के पास ये पोस्ट बहुत सारी खाली पड़ी है, ऊपर से रिटायरमेंट कंटिन्यूअसली हो ही रहे हैं, और दूसरी बात ये प्रमोशनल से भी यही वैकेंसी जा रही है। तो जब यहां पर खाली दिखेगा तो ये भरा भी जाएगा, इस चीज को समझ लीजिए। हाँ, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भरी जा रही हैं वो भरी ही जानी है, और वो भरी ही जा रही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो पहले से चल रहा है। लेकिन जो पोस्ट रेलवे को अपने पास से रखनी है वो पोस्ट उसी की रहने वाली है। तो इस चीज को आप समझिए। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। बस मेरा एक ही कहना है कि आप लोग अपनी तैयारी को बूस्ट दे के रखिए, अपनी तैयारी को ऐसे रखिए कि वैकेंसी आए तो आपको कोई ना पछाड़ पाए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप डी की गाइडेंस प्रोग्राम बेहतरीन तरीके से चलाया जाए और आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं, जैसे पहले बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाए आप भी चाहते हैं, तो निश्चित तौर से इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। फिर हम लोग आपके साथ आ रहे हैं, क्योंकि एएलपी का तो मैक्सिमम सिलेबस निपट चुका है, अब आप लोगों पर लगेंगे। आप लोग तैयार हैं नहीं हैं ये आप लोग बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं, अगर आप जुड़ गए, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, तो एग्जाम के नोटिफिकेशन तक आप लोगों का सिलेबस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, और फिर हम जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर हम लग जाएंगे आपके मार्क्स इंप्रूवमेंट की ओर। तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर हो जाएगा इसी तरीके से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। पिछली बार ऐसे ना जाने कितने स्टूडेंट्स थे जिनके मार्क्स बहुत अच्छे थे लेकिन उनसे फिजिकल नहीं निकले, तो वो क्यों होता है? क्योंकि लास्ट टाइम पे ही आप सारी चीज़ें करते हो, तो जब आपके पास टाइम होगा तो आप सारी चीज़ों को टाइम दे पाएंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में रह जाता है बच्चा। तो आप लोगों को पूरी अगर चीज़ें चाहिए तो आप लोगों को अभी से पढ़ाई में लगना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।